फोर लॉन स्प्रिंकलर, क्वेश्चन नंबर सिक्स, पेज 27, मई 15 का समय, डन। डायमीटर दिया सम में 6 mm डिवाइड बाय 1000 क्या 0.066, राइट है ना। लेंथ ऑफ द आर्म दिया 28 मतलब पूरा आर्म दिया है, तो एक्सिस से कितना होगा, हाफ होगा 0.14। डिस्चार्ज दिया 1.2 लीटर पर सेकेंड, पूछा है टॉर्क, स्पीड पूछा है सम में ओमेगा, देन डिस्चार्ज थ्रू ईच नोजल विल बी डिवाइड बाय 4 क्योंकि चार नोजल है, देन तो आंसर आ गया 3 × 10⁻⁴। आगे बढ़ूंगा मैं, R1, R2, R3, R4 हो जाएगा, 0.28 डिवाइड बाय 2 तो 0.14 मीटर। एरिया हो जाएगा पाई बाय 4 × d². अभी VA, VB, VC, VD होगा Q अपॉन A, कितना आंसर है, सेम राइट है 10 point। देखो मेरे को आंसर देख के थोड़ा डाउट हुआ था, उसके लिए मैं 2-3 बार पूछा, बिकॉज सारे आंसर 6, 8, 10 में थे, समझ में। डन, यहां तक हो गया। अब लास्ट का दो स्टेप है जिसके अंदर अपने को टी ढूंढना है और ओमेगा ढूंढना है, तो टी कैसे ढूंढना और ओमेगा कैसे ढूंढना वो मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। देखो मैं टी वाला पार्ट बता देता हूँ, टी ढूंढने के लिए टी इज इक्वल टू रो क्यू, फॉर्मूला क्या है बोलो, वी ए आर वन प्लस वी बी आर टू प्लस वी सी आर थ्री प्लस वी डी आर फोर, समझ में आया, चार है तो चारों ऐड कर दिया। और एल्स अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, T इज इक्वल टू रो क्यू वी ए आर वन का जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 4, 1, 2, 3, 4, 4 के लिए मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है, आपके ऊपर है कोई भी मेथड करो आंसर सेम ही आएगा। रो है अपना 1000, क्यू है अपना 1.2 × 10⁻³, और ए वी ए है अपना 3 × 10⁻⁴ है क्यू, 10.63 × R1 है मेरा 0.14, जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 4, समझा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा न्यूटन डॉट मीटर में। ये होने के बाद मेरे को ओमेगा ढूंढना है टी की वैल्यू 0 डाल के, टी इज इक्वल टू रो क्यू, फॉर्मूला है वी वन वी टू आर टू माइनस की प्लस वी वन आर वन प्लस प्लस वी थ्री आर थ्री प्लस वी फोर आर फोर। अब मैं इतना मेहनत नहीं करना चाहता हूं तो मैं एक दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, रो क्यू देखो वी टू आर टू, ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई बाय 4, समझा, क्योंकि सब कुछ सेम ही है ना। अब क्वेश्चन आता वी वन वी टू वी थ्री वी फोर ढूंढना बाकी है, तो V1 में करके दिखा देता हूं मैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू VA होता है बराबर माइनस होता है ना माइनस R1 ओमेगा, माइनस की प्लस वो चेक करना पड़ेगा। देखो डायग्राम में आ जाओ, पहले डायग्राम में आओ, देखो ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, सारे अपोजिट रहेंगे तो माइनस रहेगा, डन। सो यहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा VA कितना है, VA कितना है 10.63, R1 कितना है, फैन ऑन करो ना, 0.14 ओमेगा। वैसा ही सेम तुमको V1 V2 V3 V4 आएगा, बिकॉज सबका VA सेम है, डायरेक्शन सेम रहेगा, देन तो ये तुम्हारा सब आ जाएगा। प्लीज सब्स्टिट्यूट करो, रो कितना है 1000, क्यू कितना है, V2 कितना है माइनस 0.14 ओमेगा, R2 कितना है, R2 R1 सब एक ही है 0.14 है, जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 4, सेम आंसर आएगा न्यूटन डॉट मीटर सेम आएगा। अगर आपको चाहिए तो चार बार ऐड कर देना बराबर, चार बार ऐड कर देना तो भी सेम ही आएगा। पहला आंसर कितना आया, इधर से आप लोग ओमेगा ढूंढ रहे हैं ना, तो टी जीरो रहेगा है ना, ये जीरो जीरो, ओमेगा का यूनिट रहता है रेडियन पर सेकेंड्स। ये आंसर कितना है टी का, एनीवन, और ये आंसर
निकाल रहे हो? ठीक है निकालो। सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन टू हो गया ये सम।